वेलकम टू ईटाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो व्हिच गिव्स यू द डेज लो डाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। बी टाउन सेलेब्स नजर आए एट एन इवेंट स्पेशली फॉर किड्स। किस अंदाज में सलमान खान ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। फैन खानदान ने कुछ इसी अंदाज में मनाया सलमान खान का बर्थडे। पापराजी के साथ भी सलमान खान ने केक कट करके मनाया अपना बर्थडे। और इस केक कटिंग सेरेमनी के दौरान उनके सारे फ्रेंड्स आए उनके साथ नजर। सलमान खान के बर्थडे सेलिब्रेशन में कैटरीना कैफ शामिल हुई अपने अच्छे दोस्त अली अब्बास जफर के साथ। इसके अलावा पूरा खान खानदान और सलमान के करीबी इस पार्टी का बने हिस्सा। Ashwini is someone I've met, Nitish sir also. Kangana is someone I've known since a lot of years and really admire her work and admire her. And I think unhone bhi kaha tha us waqt ki matlab the films are very different. So, you know, this is, and we are in 2020 yaar. Abhi hum log wo sab nahi kar sakte ki clash and all. I think we need to be cool about it, move ahead. And you know, people like the films, they should go watch both the films actually, why not? And our film, genuinely, this is my return to doing films for kids. मैंने बहुत वक्त से बच्चों के लिए कोई फिल्म नहीं किया था, एंड बाय बच्चे मेरा मतलब है कि एक बच्चा सब में छुपा हुआ है, तो आप सबके लिए, आपके अंदर के बच्चे के लिए पिक्चर। एंड दिस इज व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट, एंड होपफुली द फैमिली ऑडियंसेस, किड्स, पेरेंट्स, आप सबको बहुत अच्छा लगे, एंड यू ऑल विल हैव अ गुड टाइम। मुझे ऐसा कोई ऐसा टेंशन नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा एक्चुअली इट्स अ डिफरेंट फिल्म, टू डिफरेंट जॉनर्स है, ये डांस फिल्म है, वो एक स्पोर्ट्स पे बहुत अच्छा सीरियस मैटर है, और क्यों नहीं,
वैसे भी दो दो फिल्में तीन तीन फिल्में रिलीज होती हैं सेम डे पे, तो आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग। वरुण धवन ने कंगना रनौत स्टारर फिल्म पंगा से क्लैश पर कुछ वैसा ही बयान दिया जैसा हाल ही में फिल्म पंगा की एक्ट्रेस कंगना रनौत और डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी ने दिया था। ऑनेस्टली आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट देयर आर बोथ नॉट ऑफ द सेम नेचर। कई बार जो दो फिल्में होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं, चाहे उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है, कहानी अलग हो लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस अलग नहीं होती। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, स्ट्रीट डांसर की टारगेट ऑडियंस अलग है और हमारी अलग है, सो विच इज़ काइंड ऑफ अ रिलीफ। आई वुड लव टू हैव अ सोलो रिलीज टू बी ऑनेस्ट। श्रद्धा मेरी, मतलब शी इज़ रियली क्लोज टू मी, शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ डॉटर। अब भी नितेश की फिल्म में उसने काम किया, शी इज़ अ फ्रेंड। वरुण इज़ अ रियली डियर फ्रेंड। आई थिंक इस ज़माने में वी कांट कम्पीट विथ ईच अदर, वी ऑल आर को एग्जिस्टिंग और हम सबको सबकी फिल्मों के लिए वी जस्ट हैव टू प्रे एंड मेक श्योर दैट आर इंडस्ट्री फंक्शन, सो ऑल फिल्म हैव टू डू वेल। नहीं तो बॉक्स ऑफिस नहीं चलेगी तो प्रोड्यूसर्स कहाँ से आएंगे हमारे लिए? सो एवरी फिल्म हैज़ टू डू वेल। एंड जितने थिएटर्स हैं हमारे, अगर कोई और ज़्यादा थिएटर्स बन जाए हमारे देश में तो बहुत अच्छा होगा, चाइना की तरह विजय, ताकि हर फिल्म एक नई सिंगल रिलीज मिले। अब वो ज़माना गया, अब सिंगल रिलीज़ का कोई मौका नहीं है, पर जब दो फिल्में साथ में आती है तो वी शुड जस्ट encourage and rejoice each other's films. Varun Dhawan पहुंचे थे अपनी फिल्म Street Dancer 3D के नए सॉन्ग गर्मी के लॉन्च इवेंट पर और यहां नूरा फतेही के साथ उन्होंने लाइव किया परफॉर्म। इंटरेक्शन की तो वरुण से सवाल किया गया ऑन क्लैश विद कंगना और उन्होंने कूल अंदाज में किया रिएक्ट। अश्विनी इज समवन आई हैव मेट, नितेश सर आल्सो, कंगना इज समवन आई हैव नोन सिंस लॉट ऑफ इयर्स एंड रियली एडमायर हर वर्क एंड एडमायर हर। एंड आई थिंक उन्होंने भी कहा था उस वक्त कि मतलब द फिल्म्स आर वेरी डिफरेंट, तो यू नो दिस एंड वी आर इन 2020 यार, अभी हम लोग वो सब नहीं कर सकते कि क्लैश एंड ऑल। आई थिंक वी नीड टू बी कूल अबाउट इट, मूव अहेड एंड you know, people like the films, they should go watch both the films actually, why not? And our film, genuinely, this is my return to doing films for kids. मैंने बहुत वक्त से बच्चों के लिए कोई फिल्म नहीं किया था, and by बच्चे मेरा मतलब है कि एक बच्चा सब में छुपा हुआ है, तो आप सबके लिए, आपके अंदर के बच्चे के लिए पिक्चर। And this is what this film is all about. And hopefully the family audiences, kids, parents, आप सबको बहुत अच्छा लगे and you all will have a good time. मुझे ऐसा कोई ऐसा टेंशन नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसे actually इट्स अ डिफरेंट फिल्म, टू डिफरेंट जॉनर्स है, ये डांस फिल्म है, वो एक स्पोर्ट्स पे बहुत अच्छा सीरियस मैटर है, और क्यों नहीं, वैसे भी दो दो फिल्में तीन तीन फिल्में रिलीज होती हैं सेम डे पे, तो आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग। वेल, वरुण धवन और फिल्म पंगा की टीम दोनों ही इस क्लैश से वरीड नहीं है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग दोनों ही फिल्म बिल्कुल अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ू मुंबई। अपने बच्चों
यश और रूही के साथ नजर आए एक वंडरलैंड के इनॉग्रेशन इवेंट पर। कहां डोनाल्ड बिश ने दिखाया अपना ब्राइडल अवतार? टेलीस्कोप में अब बात टीवी स्टार डोनाल्ड बिश के लेटेस्ट 2020 ब्राइडल अवतार की। जी हां, देखिए डोनाल्ड का 2020 ब्राइडल लुक, जिसमें डोनल ने दिखाए अपने टू डिफरेंट लुक्स, वन इन अ डार्क लहंगा और दूसरा इन अ सिल्वर लहंगा, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। वेल, जब जूम ने इस वेडिंग सीजन में डोनल से इस ब्राइडल फोटोशूट की असली वजह जानना चाही, तो क्या कहना था डोनल का, आप भी सुनिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि शो स्टॉपर होता है ना, तो वैसे ही नेहा का कैलेंडर स्टॉपर रही है, बिकॉज मैं जो लास्ट उसका कैलेंडर इन द सेंस जो भी उसका फोटोशूट्स होता है ब्राइडल फोटोशूट स्टॉपर, जो मैं लास्ट ईयर के एंड में नेहा के लिए कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई वॉज फ्री ऑल्सो, सो आई कुड डू ऑल दीज थिंग्स। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है अभी टीवी से, सो येस आई एम इन्जॉइंग। और मैं लुक के बारे में आपको बता देती हूँ, रेड कलर का, डीप रेड कलर का ये लहंगा है और मुझे एकदम प्रियंका चोपड़ा वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही सुंदर कलर, और जो इसका वर्क है, जो इसकी ज्वेलरीज हैं वो भी बहुत ही सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल एकदम से परफेक्ट जो गेटअप है वो है ये। जितने भी मेरे फैंस हैं या जितनी भी लड़कियां हैं जो मुझे देख रही होंगी इस गेटअप में, दे कैन एनी डे एनी टाइम बाय इट, और मेरी फ़ोटोज़ भी आएंगी तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि कैसा निखर के आने वाला है। सिल्वर कलर का लहंगा मैंने कभी नहीं पहना, येलो पहना है, रेड पहना है, रेड तो इससे पहले भी पहना, दैट वॉज अ डिफरेंट डीप रेड, बट ये बहुत ही डिफरेंट, मैंने कभी सिल्वर ट्राई नहीं किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसका जो एक इनपुट था कि कॉन्टैक्ट लेंस हम लोग डिफरेंट करेंगे, तो इट इज़ ऑल टुगेदर लुकिंग अ डिफरेंट डोनल फ्रॉम माई सेल्फ एज वेल, कि मैं ही अलग लग रही हूँ अपने आप को, पहले अपने आप को पहचान ही नहीं, मैंने कहा ये मैं नहीं लग रही हूँ। तो रेड वाले लुक में भी ऐसे ही था मेरे साथ, एंड इस वाले लुक में भी एकदम से डिफरेंट ही है। Shine bright like a diamond and make as much of a sartorial statement as Rihanna in the music video. But fear not, this isn't a resurgence of bejeweled denim jackets. This is serious bling and seriously chic. From slinky slips to sequins frock, this is high shine and this is XL glamour. How to wear the trend? Try to shine bright in silk, satin and sequins dresses and skirts that fall to the ankle. Dip your toe into the trend with costume jewelry in form of statement earrings with matching necklace. Let us have a look at how Bollywood divas have embraced amped up glamour. Ananya Pandey had a blitz on her style with sparkle and dazzle. Ananya put on a sparkling gold dress, a design of Akansha Gajaria, that had a lot of sequins adorned on her strappy attire. The polished attire also featured two pearl layers over it, including a layer laid over the reflecting finish, while the other one was affixed at the bottom of the hem. From tip to toe, shining like a jewel, Kareena Kapoor Khan set the internet on fire with her shining dress. Styled by Tanya Gavri, Bebo looked absolutely smashing in her sequins dress with plunging neckline and a risky slit. The dress also featured butterfly sleeves and low back detailing. Talk about drama. Ditching the nude glam, the Patodi Begum opted for a radiant face with oodles of highlighter, smoky shimmery eyes, nude lips and a classic bun gave finishing touches to her look. When it comes to party-ready ensembles, going all out is the only rule. However, Shraddha adheres to metallic dresses and shiny gowns. So if you don't like too much of sequins,
then this is a good option for you. She wore a Maison Margiela outfit which featured a metallic pleated skirt and a printed bustier. Huma Qureshi stunned in a dazzling jumpsuit by Alexander Terikov, which had a plunging neckline. She paired it with a pair of bejeweled Louboutin pumps and styled her hair in a sleek high ponytail. For the girl whose style is more minimal chic, Katrina Kaif is a classic example. She was seen wearing a pair of sequins joggers that she paired with a printed shirt. She further styled the look with a pair of earrings and sandals. So this party season, go for that extra glamour.